आज हम डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। जब हमने ये कोर्स स्टार्ट करा था तो वहाँ पर एक क्वेश्चन हमने एक प्रॉब्लम हमने बोली थी जिसका नाम था टेंजेंट लाइन प्रॉब्लम। हमने मोटिवेशन पार्ट में देखा था कि डिफरेंशियल कैलकुलस टेंजेंट लाइन प्रॉब्लम से मोटिवेटेड है, और व्हाट इज टेंजेंट लाइन प्रॉब्लम, क्या टेंजेंट लाइन प्रॉब्लम है। वो कहती है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जो कि विच इज टेंजेंट टू ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एट पॉइंट एक्स इक्वल टू से ए। ये कहता है कि कोई हमारे पास फंक्शन है, उसका ग्राफ हमें मालूम है, उस फंक्शन के ग्राफ में पॉइंट ए कॉमा एफ ए पर स्पर्श रेखा की इक्वेशन हमें पता करनी है। आज हम इसका आंसर देंगे, इस क्लास में हम इसका आंसर देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, ये फंक्शन का ग्राफ है, और किसी पॉइंट ए पर ये ए पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट ए कॉमा एफ ए होगा, ठीक है। हम जानते हैं, हमने कल देखा था पिछली क्लास में किस तरह से हमने टेंजेंट को डिफाइन किया था। टेंजेंट डिफाइन करने के लिए हमने एक सीकेंट लाइन ड्रॉ करी थी, और उस सीकेंट लाइन के लिए क्या किया था, देखो सीकेंट लाइन कैसे ड्रॉ करी थी। ए कॉमा एफ ए के पास में हमने कोई ए प्लस एच पॉइंट लिया था, और ए प्लस एच में हम यहां पर गए, ये पॉइंट आया हमारा ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। यहां पर सिकेंड ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट, ये लाइन सिकेंड है, इसका नाम एल दे दो, ये सिकेंड लाइन, ठीक है। जैसे जैसे ये एच जीरो को जाएगा, ये ए प्लस एच एक ही हो जाता है, और ये सिकेंड लाइन टेंजेंट विथ बदल जाएगी। ये सेकेंड लाइन जैसे जैसे एच जीरो को जाएगा, ये ए प्लस एच एक ही हो रहेगा, और ये टेंजेंट लाइन, ये सेकेंड लाइन जो है वो कुछ ऐसी बिहेव करेगी, कुछ ऐसा होने लगेगा। कब होगा ऐसा, जब एच जीरो को जाएगा, जब एच गोज टू जीरो, देन दिस L goes to, इस सेकेंड लाइन का नाम हम T दे देते हैं, टेंजेंट L goes to T। लेकिन हमारी प्रॉब्लम थी क्या कि इसकी इक्वेशन निकालनी, इस लाइन, इस T लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और हम लोग जानते हैं कैसे, आप सब जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाला जाता है। एक लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, तो एक लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, एक पॉइंट मालूम होना चाहिए जो कि इस केस में हमें मालूम है ए कॉमा एफ ए, और दूसरी चीज वो है स्लोप ऑफ दैट लाइन, स्लोप मालूम होना चाहिए हमें। एक चीज मालूम है, वो पॉइंट मालूम है, हमें स्लोप निकालना है। स्लोप हम इस सेकेंड की मदद से स्लोप निकालते हैं, देखिए कैसे। सेकेंड की मदद से हमें स्लोप निकालना है। ये जो सेकेंड लाइन L है, सो व्हाट इज इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ सेकेंड L क्या होना चाहिए बताइए। दिस इज इक्वल टू
देखो ये दो पॉइंट है, ए कॉमा एफ है और ए प्लस एच कॉमा एफ ए प्लस एच से होके जा रहा है, तो इसका स्लोप जो होगा इसको डिफाइन करेंगे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए कितना हो गया ये बताइए। दिस इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच, ठीक है। ये स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, हमें सेकेंड लाइन का स्लोप पता चल गया। अब क्योंकि हमने यहां पर बोला है, इधर क्या बोला है हमने कि जैसे एच जीरो को जाएगा ये जो सेकेंड लाइन है वो स्पर्श रेखा की ओर जाएगी, ये टेंजेंट हो जाएगा। तो इसका यहां से हमें क्या, हम यहां से कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए। यहां से हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी, यहां से हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ जो स्पर्श रेखा का स्लोप होगा टेंजेंट टी बोल दो क्या होना चाहिए बताइए। बहुत बढ़िया, ये होगा एच एच गोज टू जीरो, मीन्स लिमिट एच गोज टू जीरो, लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, हमने टेंजेंट का स्लोप प्राप्त कर लिया। इसको डिनोट करते हैं हम एम टेंजेंट। अब बात आती है इसका इक्वेशन की, कैसे हम इक्वेशन निकालें, वो बहुत इजी है। अब इसका आंसर हम दे रहे हैं, इसका आंसर हम दे रहे हैं। हमने प्राप्त किया स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमें मालूम है किस पॉइंट से जा रहा है ए कॉमा एफ ए। तो आप लोगों को याद होगा लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, एक एक लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट और एक पॉइंट से जा रही है और उसके स्लोप हमें मालूम है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि एक पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट से जाती है और उसका स्लोप एम है। ये क्या है इसको ये सब जानते हैं, और ये इक्वेशन होती है वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू, बहुत बढ़िया बताइए, एम एक्स माइनस एक्स नॉट। तुम्हारे पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, तुम्हारे पास पॉइंट गिवन है, आप लोगों के पास उसका स्लोप भी गिवन है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अब यहां से हम लोग निकालते हैं क्या, हम यहां से पता करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इज, सो क्या होना चाहिए बताइए, वाई माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू एम, एम की जगह स्लोप है, स्लोप हमें ये गिवन है एम एंड देन एक्स माइनस ए। और इसको हम लिख सकते क्या, दिस इज सेम एज वाई माइनस एफ ए जो कि है लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच एक्स माइनस ए। और ये टेंजेंट तब होगा जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, अदरवाइज अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमारे पास स्लोप नहीं मालूम होगा, हमें स्लोप नहीं पता होगा तो हम नहीं निकाल सकते। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन प्रोवाइडेड ये लिमिट एग्जिस्ट करे,
ये लिमिट अगर हमें मिलेगी तो ही हम कहेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती या ये अनडिफाइंड है तो हम नहीं कह पाएंगे कि ये टेंजेंट है। हम लोग जानते हैं, आप सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा आपने अपने 11th 12th क्लास में, टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन, एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर लाइन उसका यहां परपेंडिकुलर मतलब इससे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये लाइन का ये 90 डिग्री का एंगल है, एक ऐसी लाइन जो इस टेंजेंट लाइन से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है, उसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं, उसको नॉर्मल कहते हैं। अब यहां से हम देखते हैं नॉर्मल लाइन की क्वेश्चन क्या है। फिर से याद करिए, क्या हम हमारे पास एक इक्वेशन की लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन है जो कि गिवन है y माइनस y नॉट इक्वल टू m x माइनस x नॉट, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। इसके परपेंडिकुलर लाइन, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन क्या होती है, तो तुम जानते हो अगर ये m है तो उसका स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन लाइन इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है, मान लो उसका स्लोप m1 है और ये लाइन इस लाइन के पहले परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m इक्वल टू माइनस वन, सो ये क्या देता है m1 इक्वल टू माइनस वन बाय m। ये एक लाइन l थी, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमें बनाने हैं, उसका स्लोप बताना है और वो हमें मिल गया m1 इक्वल टू माइनस वन अपॉन m, और ये x नॉट y नॉट से जाती है और हमारे पास स्लोप मालूम है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी बताइए, वो होगा y माइनस y नॉट, अब स्लोप की जगह m1 आएगा, माइनस वन अपॉन m x माइनस x नॉट। क्योंकि नॉर्मल लाइन इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हम यहां पर लिखते हैं क्या होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x इक्वल टू a, वो क्या होना चाहिए बताइए, वो होगा y माइनस f a इक्वल टू माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि हमने यहां निकाला हो इंटू x माइनस a, तो हमने देखा कि किस तरह से लिमिट की मदद से हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पता करने पर सफल रहे। अब बात करते हैं ये जो रेशियो है ये इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, इस पर देखते हैं, इस पर थोड़ा वार्तालाप करें। यहां पर दो चीजें हैं, ये जो कोशेंट है कैसे बना है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, a प्लस h माइनस a, ये इस तरह से बना हुआ है, इसको हम डिफरेंस कोशेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिफरेंस कोशेंट,
और ऐसा क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन में है और क्या है, एफ ए प्लस एच और एफ ए का डिफरेंस है और साथ में यहाँ क्या है, ए प्लस एच और ए का डिफरेंस है, सो इसे डिफरेंस क्वेश्चन कहते हैं। दूसरी बात, ये एक और चीज को, ये केवल स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं दे रहा है, ये इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। ये क्या शो करता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ दिखाता है, दिस डिफरेंस कोशेंट, ये जो डिफरेंस कोशेंट है ये क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ f का एवरेज रेट ऑफ चेंज दिखाते हैं, चेंज ऑफ f एट x इक्वल टू a, लेकिन किसके सापेक्ष में, कोरेस्पोंडिंग टू चेंज ऑफ, जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, चेंज ऑफ वैल्यूज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमने दो चीजें देखी, ये जो ये लिमिट जो है ये दो चीजें दिखाते हैं, एक स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पॉइंट पर ए कॉमा एफ ए पर, और दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए, ये दो चीजों की बात करते हैं। और इन दोनों चीज, ये दो हमने देखा, दो चीजें केवल, ये दो 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 चीजें जो एक स्लोप ऑफ टेंजेंट और दूसरी रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ, ये एक ही डिफरेंस कोशेंट पर डिपेंडेंट है, और इस डिफरेंस कोशेंट को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ। तो बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ की, तो अब हम देखते हैं क्या डेरिवेटिव की डेफिनेशन, डेरिवेटिव क्या है, इसकी क्या परिभाषा है डेरिवेटिव की। देखते हैं, कोई फंक्शन है, लेट एफ बी ए फंक्शन, कहां से कहां तक, फ्रॉम एन ओपन इंटरवल आई टू आर, ये एफ एक ओपन इंटरवल आई से आर पर फंक्शन है, इसका मतलब ये आई के हर एक ईच पॉइंट पर ये डिफाइंड है, हर एक पॉइंट पर डिफाइंड है, कोई एक पॉइंट एक्स इक्वल टू ए है, हम कहते हैं इसे एफ इज डिफरेंशिएबल, और हम इसे डेरिवेबल भी कह सकते हैं, एट अ पॉइंट, एट पॉइंट x इक्वल टू ए किस में है, ये i में बिलोंग करता है, पॉइंट i में है, इसे f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए इफ, कब, जब ये लिमिट, इफ दिस लिमिट जो अभी हमने देखा था डिफरेंस क्वेश्चन, a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइड बाय एच एज एच गोज टू जीरो, दिस लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, और हम इसे डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट बाय, एंड वी डिनोट इट बाय एफ डैश ए और
df by dx at x equal to a, हम इस तरह से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे क्या। अभी ध्यान से देखें तो हमने ये क्या कहा, कोई फंक्शन हमारे पास है ओपन इंटरवल आई में डिफाइंड है, ओपन इंटरवल आई के किसी एक पॉइंट पर वो डिफरेंशियबल होगा, जबकि ये जो डिफरेंस क्वेश्चन था इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हमने ये चीज देखा पहले, ये पार्ट हम पहले देख चुके हैं। ये क्या, ये किस चीज को डिनोट करता है, ये डिनोट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए, ये डिनोट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट के स्लोप को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये एफ डैश ए क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो भी स्पर्श रेखा ए पर है उस पर उसका स्लोप एफ डैश ए रिप्रेजेंट करेगा। एक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं, इजी सा एग्जांपल, अगर हम एक फंक्शन ले f r से r में, रियल लाइन से रियल लाइन में, कैसे f है इस फॉर्म का fx इक्वल टू mx प्लस b। तुम जानते हो ये सब, आप लोग सब जानते हैं ये y इक्वल टू mx प्लस b फॉर्म का फंक्शन है, जो कि एक लाइन की इक्वेशन होती है, इसे लीनियर फंक्शन कहते हैं। और अगर ये लाइन की क्वेश्चन है तो m स्लोप है, तो इस लाइन का स्लोप m है, तो अब मैं देख लें किसी पॉइंट पर स्लोप क्या मिलता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसका मतलब स्लोप मिलेगा मीन्स ये लिमिट क्या होनी चाहिए। तो क्योंकि आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले से पढ़ा हुआ है 11th क्लास में अपने, इस लाइन की क्वेश्चन y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी लाइन की क्वेश्चन, ये जो लाइन की क्वेश्चन है इसका जो स्लोप होता है वो m है, लेकिन अभी हम उसको देखेंगे किसकी मदद से, डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएशन की मदद से, इस डेरिवेटिव की मदद से। हमने कहा ये जो पार्ट है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो देखते हैं क्या ये पार्ट m आते हैं। फाइन डेरिवेटिव ऑफ f एट x इक्वल टू कोई भी पॉइंट, से x इक्वल टू 2 पर हम निकालना चाहते हैं, मान लो हम 2 पर निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर 2 पर निकालना चाहते हैं तो ये f डैश 2 की किस फॉर्म का होगा, इसका मतलब हमें ये निकालना है f 2 प्लस एच माइनस f 2 डिवाइड बाय एच लिमिट एच गोज टू 0, कितना होना चाहिए बताइए, एफ टू प्लस एच इक्वल टू, देखो यहां पर एफ टू देखो क्या आएगा, लिमिट एच गोज टू 0, यहां पर पहले एफ टू प्लस एच है तो एच इक्वल टू प्लस एच, एम टू प्लस एच प्लस बी माइनस एफ टू माइनस एम टू प्लस बी डिवाइड बाय एच, ठीक है। देखो आगे आगे सॉल्व करके क्या आता है देखते हैं, लिमिट एच गोज टू 0 हो उसको सॉल्व करो तो ये आएगा एम इंटू 2 प्लस एम इंटू एच प्लस बी माइनस एम इंटू 2 माइनस बी डिवाइड बाय एच। देखो बी से बी कैंसिल, M2 से M2 कैंसिल और ये H से ये वाला H कैंसिल, ठीक है। तो ये आया लिमिट H गोज टू 0 एम एच बाई एच, तो इसको कैंसिल करो, ये से कैंसिल, क्या बना M। सो क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो उसकी वैल्यू M है, तो इसको हम मैं लिख सकता हूं F डैश 2 इक्वल टू एम, और हमने पहले ही गेस करा था कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो m होना चाहिए क्योंकि टेंजेंट का स्लोप, ठीक है।
ऐसा हम इसलिए कह पाए क्योंकि ये लाइन, ये जो लाइन है, ऐसा हम इसलिए कह पाए से एम एक्स प्लस बी लाइन जो है कुछ इस फॉर्म की है। इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ये खुद लाइन होगी, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ये खुद ही है, तो इसलिए हम पहले से गैस कर पाए कि इसका जो स्लोप होगा वो एम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एफ कोई फंक्शन है आर टू आर गिवन बाय कैसे दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू से एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया। अब इस केस में देखो, जो पहला वाला केस था इजी केस था, उस केस में वो जो इक्वेशन हमने दी थी mx प्लस बी वाई इक्वल टू mx प्लस बी, जो फंक्शन हमारे पास था mx प्लस बी, वो उसके हर एक पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो खुद ही लाइन है, वो लाइन खुद है, खुद उसका टेंजेंट क्या है, mx प्लस बी है। लेकिन ये केस यहाँ पर नहीं है, एक्स स्क्वायर का टेंजेंट कुछ और हो सकता है। देखें, अगर एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ग्राफिकली ड्रॉ करें, ऐसा एक्स स्क्वायर है, एट जीरो ये टेंजेंट है, एट दिस पॉइंट ये टेंजेंट है, तो हर एक पॉइंट पर टेंजेंट अलग अलग है। एम एक्स प्लस बी वाले केस में टेंजेंट एक लाइन थी, तो स्लोप हम इजीली निकाल पाए। इसके केस पे हमें बताना है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट x इक्वल टू वन। जब डेरिवेटिव निकालेंगे उसके बाद फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट x इक्वल टू वन। ये आप लोगों का होमवर्क। ये होमवर्क में हमने पिछली क्लासेज में देखा था कंटिन्यूअस फंक्शन, इस क्लास में हमने देखा डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल फंक्शन। मींस अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब है, ये हम देख रहे हैं। और दोनों चीजों में हम एक बात नोट करते हैं, क्या कि कंटिन्यूटी भी हमने देखा था किसी एक पॉइंट पर डिफाइन करी थी, डिफरेंशिएबिलिटी भी किसी एक पॉइंट पर डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, v से f इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, वहां पर भी हमने बोला था फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, तो इन दोनों का क्या मतलब है। सेम कल हमने फिर से बोला था कि कंटिन्यूटी एक लोकल फिनोमिना है, सेम इसी तरह डिफरेंशिएबिलिटी भी एक लोकल फिनोमिना है, हम उसको किसी एक पॉइंट पर बात करते हैं, पूरे होल डोमेन पर बात नहीं कर रहे हैं, पूरे इंटरवल पर हमने बात नहीं करी। जब हम पूरे इंटरवल पर बात करेंगे तो कैसे कहेंगे, तो उसके लिए रिमार्क लिखते हैं, उसके लिए एक रिमार्क लिखते हैं। क्या है रिमार्क, ये कहता है फंक्शन एक फंक्शन एफ जो कि इंटरवल आई से आर में है, यहां पर ये इंटरवल है, हम पहले बोल चुके हैं तो अभी नहीं लिखूंगा मैं, तो फंक्शन एफ फ्रॉम आई टू आर दिस इज डिफरेंशिएबल ऑन आई। अब मैंने यहां पर बात करी ऑन आई, कब, ये आई ओपन इंटरवल था, ऑन आई दिस इज ओपन इंटरवल, हम पहले से ये सेम आई है, ये आई और ये आई सेम है, सो ओपन इंटरवल है, सो दिस इज डिफरेंशिएबल ऑन आई
if f is differentiable, f is differentiable at each point of I, at each point of I. कल यही बात हमने कंटिन्यूटी के लिए देखी थी, हमने क्या बोला था, फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू आर इज कंटिन्यूअस ऑन ए इफ इट इज कंटिन्यूअस ऑन ईच पॉइंट ऑफ ए, अगर ये ए के सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है तो उसे हम कहते थे कि ये कंटिन्यूअस होगा सारे पूरे के पूरे ए में, तो वही बात हमने यहां पर कही। अब देखते हैं दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कंटिन्यूअस फंक्शन और डिफरेंशिएबल डेरिवेबल फंक्शन, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इस बात पर हम थोड़ा गौर करते हैं। एक एग्जांपल के साथ चलते हैं, देखते हैं एक एग्जांपल है हमारे पास, कौन सा एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं, देखते हैं क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एफ फंक्शन है आर से आर में, ठीक, और कैसे दिया गया है, ये दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एफएक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, देखते हैं ये क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो कंटिन्यूटी की बात करते पहले, किसी एक पॉइंट रैंडमली चूज करते कोई पॉइंट सी, एक्स इक्वल टू सी कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू सी देखें और क्या होता है, सी कोई भी पॉइंट आर का, तो उसके लिए क्या करते थे, फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, क्या होना चाहिए था ये हमारे, सच दैट एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, ये डेरिवेटिव की बात, अगर अगर सॉरी कंटिन्यूटी की बात के लिए हम क्या करते थे, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता तो ऐसा होना चाहिए था, फॉर गिवन ऐसा होना चाहिए था, देखते क्या ये चीज सेटिस्फाई करती है, क्या ये चीज सेटिस्फाई करती है, इस बात को हम देखते हैं, ठीक है। हमारे पास एप्सिलॉन गिवन है, हमें दिया गया है एप्सिलॉन पॉजिटिव दिया गया है, एफ एक्स माइनस एफ सी को देखते क्या है, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ सी, ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू This is less than equal to, अब देखो हमें ये किस फॉर्म का चाहिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस सी फॉर्म का चाहिए, तो हमने क्या हमने देखा दिस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ सी। अब ये इनइक्वालिटी हम जानते हैं कहां से, ये आप लोगों ने पढ़ा है अपने एनालिसिस कोर्स में, देखो दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स माइनस सी, यहां से ये क्या कहते हैं, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन नंबर मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, और ये वाला पार्ट लेस देन एप्सिलॉन होगा, दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, नाउ यू कैन चूज योर डेल्टा, चूज डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, कल हम ये सब हमने कल बात करी थी इस बारे में किस तरह से हम एप्सिलॉन डेल्टा चूज कर रहे हैं, ये इनइक्वालिटी हम जानते हैं, इसको इसको वेरीफाई करिए, इसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई
आफ्टर चूजिंग दिस डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, इसको चूज करने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला इस मोड ऑफ एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज बोलो मोड ऑफ एक्स माइनस एफ सी दिस इज इक्वल टू मोड एक्स मोड सी दिस इज लेस देन इक्वल टू ये की डेल्टा है और यही चीज कितना है, यही एप्सिलॉन है, दिस इंप्लाइज ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एफ इज एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दिस इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है कहां पर एट एक्स इक्वल टू सी, ये फंक्शन कंटिन्यूस है सी पर, ठीक है। अब इसके डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लेते हैं, कैसे ये डिफरेंशिएबल, ये क्या ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। अब हम कंटिन्यूटी की जगह डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, तो हमने देखा ये फंक्शन हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है, आर के हर एक पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें क्या देखना है, हमें चेक करना है लिमिट एच गोज टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एच सी है तो हम एक्स को हम सी लेंगे सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई एच, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एच गोज टू जीरो, बताइए एफ c प्लस एच क्या होगा, मॉड c प्लस एच माइनस मॉड c डिवाइड बाई एच, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, अगर h जीरो को जाता है तो ये वाला पार्ट क्या आया मॉड c प्लस, हाँ ठीक है अभी देखते हैं इसको। अब एक काम करते हैं इसके, जब इसको इसको चेक करते हैं क्या c की वैल्यू के लिए क्या क्या ये होगा, अगर c नॉन जीरो है, इफ c इज नॉन जीरो एंड c, दो तरह से देखते हैं, अगर c पॉजिटिव है और c नेगेटिव है, इफ c इज नेगेटिव, अगर c नेगेटिव है हम h को बहुत स्मॉल ले रहे हैं, देखा हम किस तरह से देख रहे हैं, ये हमारा मोड एक्स है, सी यहां पर है और एच कहीं इसके बीच में कहीं पर है, यहां से और इधर से एच आ रहा है, ये वाला पार्ट नेगेटिव है, ये अंदर वाला पार्ट नेगेटिव है, ये पार्ट नेगेटिव है, ये इसको क्या बनाएगा मोड, इसको पॉजिटिव बना देता है, मोड इसको पॉजिटिव बना देता है। तो तुम ध्यान से देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखें इसे, तो ये c अगर नेगेटिव है तो मॉड c कितना हो जाए माइनस c प्लस एच, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस c, इनकेस ये c नेगेटिव होता है डिवाइड बाय h, ये दोनों आपस में कैंसिल हुए तो ये क्या आएगा माइनस h बाय h विच इज इक्वल टू बताइए माइनस वन, इस केस में ये माइनस वन आया, ठीक है। देखते जब सी पॉजिटिव है तो क्या होता है, देखते जब सी पॉजिटिव है, सी यहां पर है, एच इधर से जीरो को आ रहा है, इधर से जीरो को आ रहा है, तो ये सी प्लस एच सी की ओर जा रहा है, सी प्लस एच सी की ओर जा रहा है, C प्लस एच भी पॉजिटिव है तो मॉड C प्लस एच हो गया, माइनस मॉड सी फिर से डिवाइड बाय एच, ये कैंसिल हुआ एच बाय एच वन, तो इस केस में ये क्या है वन है। अब बात करते हैं जब C जीरो होता है, जब C
जीरो है, उस केस में क्या होता है? देखो सी यहां पर है अभी वाले केस, अब हमारे पास सी कहां है, सी ये है जीरो पॉइंट, एच इधर से भी आ सकता है, एच इधर से भी आ सकता है, तो देखते जब इधर एच इधर से आते हैं, लिमिट एच गोज टू जीरो प्लस पॉजिटिव साइड से, राइट हैंड साइड से, तो ये आया जी जीरो प्लस एच माइनस जीरो डिवाइड बाई एच, तो एच क्या है यहां पर पॉजिटिव साइड से आ रहा है, तो ये एच रहेगा, एच बाई एच वन, तो यहां इस केस में ये लिमिट वन है। अब देखते जब ये निगेटिव साइड से आता है क्या होता है, जीरो प्लस एच माइनस जीरो डिवाइड बाई एच, जब ये निगेटिव साइड से आ रहा है, एच इधर से आ रहा है, एच निगेटिव है, तो उसका मॉड क्या होगा बताइए, ये माइनस एच डिवाइड बाई एच कितना होगी, ये माइनस वन। तो इस केस में हमने देखा राइट हैंड लिमिट वन है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन है, लेकिन हमने अपने एक क्लास में देखा था पिछले लेक्चर्स में क्या बोला गया था कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, यहां पर दोनों इक्वल नहीं है, तो फॉर सी इक्वल टू जीरो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस केस में ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दिस मीन्स इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो मॉड एक्स फंक्शन है ये जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं, ज्योमेट्री के लिए देखें, तो हम क्या कह रहे थे, हमने बोला था कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने पर हमें मिलता है क्या, हमें मिलता है वो पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश ए जो है वो स्लोप होगा किसका, टेंजेंट का उस पॉइंट पर। अब हम देखते हैं जीरो पर, मान लो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, मान लेते हैं ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, तो डिफरेंशिएबल होगा तो ये जो एफ जीरो है वो क्या देना चाहिए, टेंजेंट का स्लोप देना चाहिए एट जीरो, जीरो पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप देना चाहिए। लेकिन यहां पर देखो जब हम निगेटिव साइड से आ रहे हैं तो ये टेंजेंट बनती है, इसका स्लोप माइनस वन है, जब हम पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं तो ये टेंजेंट बनती है, इसका स्लोप वन है, लेकिन ये यूनिक होता है एफ जीरो, ये यूनिक होना चाहिए, यहाँ पर हमें दो अलग अलग वैल्यूज मिल रही है, दो अलग अलग टेंजेंट मिल रहे हैं, तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पर। सो हमारे पास एक फंक्शन मिला जो कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम दूसरी बात करते हैं, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, तो इसके लिए एक रिजल्ट देखते हैं क्या कहता है वो रिजल्ट। वो रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट है कि इफ एफ इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर हमारे पास एफ कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसी पॉइंट ए पर, तो वो फंक्शन उस पॉइंट ए पर कंटिन्यूस भी होगा। सपोज एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, देन एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। तो किसी पॉइंट ए पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसके लिए हमने कल देखा था क्या 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 चीजें हैं, नंबर एक एफ ऑफ ए डिफाइंड होना चाहिए, दिस शुड बी डिफाइंड, एफ ऑफ ए हमें पता एफ इज डिफाइंड एट ए, एफ शुड बी डिफाइंड एट ए, एफ ए पर डिफाइंड होना चाहिए। यहां पर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए है, हमने बोला था कि डिफरेंशिएबल हमने बात तभी करी थी जब वो उस पॉइंट पर डिफाइंड था, तो इसका मतलब यहां से एफ डिफाइंड तो है। दूसरी बात हमने करी थी क्या कंटिन्यूटी के लिए,
दूसरी बात हमने करी थी लिमिट जो है एफ एक्स एज एक्स गोज टू ए, ये क्या होनी चाहिए, एफ ए होनी चाहिए। तो हमने एक एक बात तो देख ली कि ये डिफाइंड है, अब दूसरी दूसरी चीज देखते हैं कि क्या ये चीज हो रहा है, लिमिट एफ एक्स एज एक्स गोज टू ए एफ ए होता है या नहीं होता है? ठीक है, अब इसका प्रूफ हम इजी, बहुत इजी प्रूफ है, देखते हैं किस तरह से करते हैं। मान लेते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एज्यूम एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। तो इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब बना कि ये लिमिट जो है एच गोज टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच जो है ये एग्जिस्ट करेगी, दिस इज दिस दिस शुड बी दिस दिस लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, हमें ये देखना है एच गोज टू ए। अब देखो यहां पर ये जो एच एच गोज टू जीरो है ये एफ ए प्लस एच जो है ये एक्स का काम कर रहा है, ये एक्स का काम कर रहे हैं। तो इसको इसको देखते हैं, केवल इतना पार्ट हम देखते हैं, ये डिफरेंस क्वेश्चन। कंसीडर कंसीडर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, इस पार्ट को देखते हैं, एच से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। एच हमारे पास नॉन जीरो है, एच एच जीरो को जा रहा है लेकिन वो जीरो नहीं है, एच जीरो को जा रहे हैं, एच जीरो के उतने पास जा रहा है जितने पास हम चाहते हैं लेकिन वो जीरो नहीं है। तो हम इसे एच से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए, इसको दिखाने के लिए मैं ये दिखाऊं कि लिमिट एच एच गोज टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इक्वल टू जीरो हो तो मेरा काम बन गया, तो हमारा काम बन जाता है अगर हम ये दिखा पाए। तो अब हम देखते हैं लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए एज एच गोज टू जीरो क्या होगा, अगर हम कैसे दिखा पाते हैं कि ये जीरो है तो हमने ये प्रूव कर दिया, लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच। कल हमने देखा था ये दो प्रोडक्ट हैं उनका लिमिट उस केस अगर फाइनाइट वाले केस है, तो देखो ये वाला फाइनाइट है क्योंकि एफ डैश ए यहां पर एग्जिस्ट करता है, हमने बोला है कि एफ डिफरेंशिएबल है, एफ डैश ए एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एज एच गोज टू जीरो ये जीरो को जाता है तो दोनों फाइनाइट है। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, लिमिट एच गोज टू जीरो एच ये क्या है, ये एफ डैश ए है, ये जीरो को जा रहा है, तो दिस इज इक्वल टू एफ डैश ए डॉट जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन से हमें, इस आर्गुमेंट से हमें क्या मिला, लिमिट ऑफ एक्स गोज टू ए, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स गोज टू ए इक्वल टू एफ ए, दिस मीन्स एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, दिस मीन्स एफ इज कंटिन्यूअस ए, दिस इंप्लाइज एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। सो हमने देखा कोई कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट ए पर तो उस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। हमने देखा एक एग्जांपल जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस था जीरो पर लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।